डब्ल्यूई के स्टार पहलवान जीत रामा उर्फ सितेंद्र डागर पहुंचे सोनीपत, प्रदेश की खेल नीति पर उठाए सवाल। सितेंद्र डागर ने कहा, आज तक सरकार ने किसी मंत्री ने या सरकार ने नहीं की कोई सहायता, अपने खुद के खर्चे और मेहनत से पहुंचा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सितेंद्र ने जिस अखाड़े से की प्रैक्टिस, उसको अपने गांव के बच्चों के लिए किया दान ताकि वो बन सके अच्छे पहलवान। खली के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोफेशनल रेसलिंग करने वाले दूसरे भारतीय हैं सितेंद्र। पिछले 4 साल से अमेरिका में रहकर कर रहे हैं रेसलिंग, कई विदेशी खिलाड़ियों को धूल चटा चुके हैं सितेंद्र। प्रदेश सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है, ये कहना हमारा नहीं प्रदेश के सभी मंत्रियों का है, लेकिन ये दावे बार बार खोखले ही साबित हो रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण सोनीपत के बागड़ू गांव के रहने वाले पहलवान सितेंद्र डागर हैं। सितेंद्र डागर अपनी मेहनत से खली के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोफेशनल रेसलिंग करने वाले दूसरे भारतीय हैं। वही सितेंद्र डागर ने प्रदेश की खेल नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मंत्री या सरकार से सहायता राशि नहीं मिली है, बल्कि वो खुद के अपने खर्चे पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई तक पहुंची हैं। फिलहाल सितेंद्र अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहीं पर खेलते हैं। सितेंद्र डागर ने अपने गांव के अखाड़े से प्रैक्टिस शुरू की थी और सुविधाएं कम होने के कारण वो यहां से चंडीगढ़ चले गए थे। सितेंद्र डागर ने जिस अखाड़े से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, वो अखाड़ा अपने गांव के खिलाड़ियों को दान कर दिया ताकि वो अच्छे पहलवान बन सके और अब खुद अपने खर्चे से वहां पर मिलने वाले पहलवानों को सुविधाएं दे रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा सोनीपत के बागड़ू गांव का। ये पहलवान सितेंद्र डागर है जो अपनी मेहनत के बल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रोफेशनल रेसलर हैं। सितेंद्र डागर इसी अखाड़े से प्रैक्टिस कर पहलवान बने और अब अपने गांव के बच्चों को पहलवान बनाने के लिए ये अखाड़ा दान कर दिया है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो और वो मेहनत करने के लिए बाहर ले जाएं। अपने खर्चे पर ही यहाँ पर कुछ डॉक्टर और अन्य सुविधाएं भी दी हुई हैं ताकि बच्चे अच्छे पहलवान बन सके। सत्येंद्र डागर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में भारत का नाम रोशन किया है और पिछले साल ही दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में भी 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सरकार की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसकी वजह से सितेंद्र नाराज हैं। सितेंद्र डागर ने कहा कि सरकार सुविधाएं देने का वादा तो करती है, लेकिन अगर उनमें से आधी सुविधाएं भी पहलवान को दी जाएं तो पहलवान बहुत अच्छा कर सकते हैं। सितेंद्र डागर ने कहा कि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे पहलवान हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण वो आगे नहीं आ पाते। मैं खुद ही अपने गांव के खाने से प्रैक्टिस शुरू कर डब्ल्यूडब्ल्यूई तक पहुंचा हूं। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है और बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें सहायता नहीं मिलने के कारण वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और पहलवानों को सुविधाएं देनी चाहिए। बहरहाल एक बार फिर सरकार की अच्छी खेल नीति पर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार फिर सरकार किन पहलवानों को सहायता राशि दे रही है। जब पहलवान अपने खर्चे पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार के मंत्री अधिकारी कब तक जागते हैं और सितेंद्र जैसे पहलवानों को सहायता राशि कब तक पहुंचाते हैं, या वो अपनी मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। जी, 2000 में सितेंद्र की मुलाकात मेरे से हुई चंडीगढ़ में। मैं पहले चंडीगढ़ था तो ये यहाँ से गए। उस टाइम ये बिल्कुल कुछ भी ABCD नहीं जानते थे यहाँ पे बेचारे, लेकिन इनकी इच्छा बहुत थी और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे रेसलर इनसे पहले तैयार हमारे अखाड़े में, मोहाली अखाड़े में थे। और जब ये वहाँ पहुँचे तो चंद दिनों में इन्होंने वो स्पीड पकड़ी, शायद 7 या 8 महीने में, जो बच्चे 8 साल में भी नहीं कर पाते थे, वो इस लड़के ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया। और ये 2 साल के अंदर वहाँ पहुँच के भारत केसरी का खिताब, बहुत बड़ा खिताब होता है, इंडिया में सबसे बड़ा खिताब वही है जो इन्होंने जीता। उस दौरान बाकी जितने लड़के थे 10-10, 15-15 साल हो चुके थे, उनको इस लेवल तक जाने का मतलब अभी भी अवसर नहीं मिला। इतनी लगन और मेहनत मैं देखता था मेरे, हम इकट्ठे रूम में थे, रूम शेयर होता था, हमारा रूम पार्टनर थे, तो रात को उठ के इनका
वहाँ पे जाना ग्राउंड में चोरी से, बाकियों से अलग। फिर सवेरे कोच की कॉल यानी कि होती थी, कोच ने एक्सरसाइज करवानी थी तो वो करवानी होती थी 6:30-6:30 बजे, तो 3 बजे 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करके आके वापस ये लेट जाते और फिर सबके साथ इकट्ठा एक्सरसाइज फिर करते। तो किसी को आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता, वो इन्होंने बहुत सारा किया हुआ है। लेकिन इनकी यहाँ की ख्वाहिश ये रही कि भी इन्होंने कभी भी ये इनके दिमाग से निकला ही नहीं कि मेरे गांव में और भी बच्चे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी पर्सनल ज़मीन, गवर्नमेंट से इनको कुछ भी मतलब हेल्प नहीं मिला। इनको क्या वो हमारे हिंदुस्तान का ये सारा है ही निकम्मापन है कि भैया बच्चे रह जाते हैं, गरीब बच्चे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से बातें बहुत होती हैं, मिलता कुछ नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी पर्सनल थोड़ी बहुत ज़मीन जो अपने हिस्से थी वो अपने अखाड़े में दान कर दी अपने गांव के बच्चों के लिए, और ये बच्चे कहीं ये इनको भी वो अभाव ना रहे, इस तरह की इन्होंने कोशिश की है, एक नई पहल की है। और इन आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये सारे इसीलिए कि भाई इनको भी ऐसी तकलीफें ना सहनी पड़े, और इस करके इन्होंने ये सारा कुछ किया है। तैयारी यही है कि वहीं मैं रहता हूँ, वहीं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी अमेरिका में। अभी आया था 10 दिन के लिए, तो शनिवार को मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, तो बस वहीं फिर दिन रात प्रैक्टिस होती रहती है। वहाँ पे तकरीबन 7-8 घंटे डेली प्रैक्टिस होती है, उसमें जिम भी है, रिंग भी है, हर तरह की प्रैक्टिस वहाँ पे। तो 7 घंटे कम से कम एक्सरसाइज वहाँ पे होती है, और वही तैयारी कोशिश करता हूँ कि अपना जी जान लगा के और अपना मुकाम मैं हासिल करूँ। और जितनी सारे हिंदुस्तान की दुआएँ मेरे साथ हैं, सारे हिंदुस्तान का प्यार है, और साथ ही साथ सबकी उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो कोशिश यही है कि सभी की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। भारत के लिए खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो, प्रदेश के लिए खेल रहे हो, सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई प्रशासन अधिकारी आपसे मिला? नहीं, 2015 में मैं WWE में गया था, उसके बाद यहाँ भी फाइट हुई है, मैंने बताया 2016 में भी हुई, अभी पिछले साल दिसंबर में भी हुई, तो सारी फाइट मैंने यहाँ पे अपनी जीती हैं। तो 2016 में हुई थी, एक यहाँ पे हुई थी अभी पिछले साल दिसंबर में। तो लेकिन लोगों का बहुत सहयोग मिला, पब्लिक का बहुत प्यार मिला, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मेरे को पिछले साल जब फाइट हुई थी 250 से ज़्यादा कारें मेरे साथ थी, काफ़ी में मेरे को स्वागत करने के लिए गए हुए थे, और हमारे को वहाँ से यहाँ तक लेके आए दिल्ली से। तो लोगों का सपोर्ट बहुत है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई मतलब आज तक किसी से कोई संपर्क मेरे से नहीं किया। हाँ, DC साहब थे तो उन्होंने मेरे को ज़रूर सम्मानित किया था अपने ऑफिस में बुला के। जैसे अपने देश के प्रदेश के खिलाड़ी खेलते हैं, सरकार उनको कहती है इनाम देंगे, करोड़ों रुपये इनाम भी रखती है, और उसे समय पर मिल भी नहीं पाता है, ऐसे क्या कहना चाहोगे? आगे जो खिलाड़ी हैं वो खेल पाएंगे या अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, देखो ये मैं तो यही बोलूँगा कि जितना सरकार बोलती है उसका आधा भी कर दे तो भी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन आप जिस भी खेल में देख लो, तकरीबन खिलाड़ी गरीब घर से होते हैं, पैसे वाले घरों से। अमीर लड़के कभी भी ये हार्डवर्क इतनी गर्मी में और ये कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो AC में बड़े बड़े होते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो अपने देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, देश की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। तो इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि सरकार जितने बोलने की बजाय अगर उनकी मदद करे, जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से उनकी हेल्प करे, उनको एक्सरसाइज में मदद करे, विदेशी कोच उपलब्ध करवाए, जितना भी होना चाहिए, मतलब ये मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो सरकार कुछ भी नहीं करती, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अमेरिका में देखता हूँ, वहाँ के गेम, हर गेम में अमेरिका क्यों आगे है, क्योंकि सरकार हर जगह उनके साथ खड़ी है, उनकी मालिश करने के लिए अलग है, उनका डॉक्टर हर प्लेयर के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें हर तरह की सुविधा मिलेगी, तो क्यों नहीं आगे जाएंगे। सुनने में आया कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अखाड़ा भी आपने दान दिया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा? उसका रीज़न यही था कि मैंने खुद यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की थी, तो लेकिन यहाँ मेरी बात बनी नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई भी फैसिलिटी जो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ एक मिट्टी थी, बस उसमें अखाड़ा मैंने शुरू किया था। तो मेरे को सुविधाओं की कमी में लगा लो या गुरु की कमी में चंडीगढ़ जाना पड़ा, लेकिन मेरा ये है कि भगवान की दया से थोड़ा बहुत ठीक था कि मैं चंडीगढ़ चला गया, आर्थिक स्थिति ठीक थी। लेकिन ये जितने आप बच्चे देख रहे हो यहाँ पे, हर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो बस यही कोशिश थी कि अपने गाँव में रह के और सभी को यहाँ वो सुविधा उपलब्ध करवा सकूँ, उनको कहीं गाँव छोड़ के अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए गाँव छोड़ के कहीं बाहर ना जाना पड़े, उनको जो वो करना चाहें यहीं रह के कर सके। और आगे भी कोशिश यही रहेगी
जो भी उनको चाहिए मैं यहीं पे उनको उपलब्ध करवाऊँ सब कुछ। कुश्ती भाई साहब मैंने शुरू की थी सन 2000 में, मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में जाके मतलब बढ़िया तरीके से शुरू की थी। पहले यहाँ करता था इसी अखाड़े में अपने में, तो थोड़े बहुत दिन यहाँ की थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मतलब ना कोई सिखाने वाला था ना ही ज़्यादा अच्छे बराबर के पहलवान थे, तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी उसमें। तो उसके बाद किसी ने बताया था, मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में जाके वहाँ जाके पहली बार मैट पे कदम रखा था कि मैट कैसा होता है। वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सही तरीके से कुश्ती की शुरुआत वहाँ से हुई थी। और वहाँ 2000 में मैं गया था और भगवान की दया से बहुत अच्छी मेरी मेहनत भी थी और कुछ भगवान का आशीर्वाद था कि बहुत ही जल्दी 2004 में मैं भारत केसरी बन गया था, कि मतलब भारत केसरी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडिया में रेसलिंग में। तो उससे पहले मैंने 2001 में शायद मैं इंटरनेशनल भी खेला भारत की तरफ से, और उसी साल में नेशनल में मैं फर्स्ट आया था। 2002 में भी मैं नेशनल में फर्स्ट आया। तो ये फिर आगे तो क्रम चलता ही रहा, मतलब ये कि 2004 में मैं हिंद केसरी बना था पहली बार, उसके बाद मैं दो बार और हिंद केसरी बना। तो बस बाद में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, चोट लगी घुटने में मेरे को चोट लगी, तो 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी ढलान पे आ गई थी। तो उसके बावजूद भी मेहनत करता रहा, चलता रहा। तो मेरे को किसी ने बताया कि WWE से ट्रायआउट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे अमेरिका से, तो मैं उनसे मिला। उन्होंने उस टाइम मेरा इंटरव्यू लिया था, वर्बली इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को बुलाया था दुबई में ट्रायल के लिए, तो वहाँ पे आए हुए थे 40 के करीब लड़के आए हुए थे, मतलब विदेशों से, कई देशों से आए हुए थे। तो उनका सभी का ट्रायल हुआ था, उसमें वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से हमारा 3 जनों का सिलेक्शन हुआ था, एक मेरा, 2 जने और थे, तो बाकी सारे रह गए थे। तो 2015 में उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ। 2015 में मैं अमेरिका गया WWE में, और 6 महीने मेरे को वहाँ प्रैक्टिस करते हुए थे। 2016 में जनवरी में यहाँ पे WWE का इवेंट हुआ था इंडिया में, दिल्ली में, वहाँ मेरी फ़ाइट हुई थी। उनका नाम है चैड गेबल, रेसलर है जो, उनको मैंने यहाँ पे हराया था। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर काफ़ी रेसलर हैं अमेरिका में, उनके साथ मेरी वहाँ पे अमेरिका में तकरीबन हर हफ्ते फ़ाइट होती रहती है। तो पहले जैसे कभी कभी होती थी, लेकिन अभी भगवान की दया से इस मुकाम पे मैं वहाँ भी पहुँच रहा हूँ कि हर हफ्ते मेरी फ़ाइट होती है, और बहुत बढ़िया। तकरीबन मेरी वहाँ पे करीब 50 के करीब फ़ाइट हो चुकी हैं अब तक, तो उनमें से 40 से ज़्यादा में मैंने जीत हासिल की है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है वहाँ पे भी, और टारगेट एक ही है कि WWE चैम्पियन बनना है। उसी को लेके जैसे यहाँ मुकाम था हिंद केसरी बनना है, वहाँ एक ही मुकाम है कि WWE चैम्पियन बनना है, और उसी मुकाम पे अपना चल रहा हूँ मैं।